पंजाब हुकूमत का महकमे कोऑपरेटिव को दोबारा फाल करने का फैसला। महकमे के इमलाक को लीज पर देने के लिए नई पॉलिसी तैयार करने की मंजूरी। वज़ीर आला ने बारानी अज़ला के लिए ट्रैक्टर स्कीम के इजरा की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत इजलास में अहम फैसले सामने आए। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आकिब तनवीर से। जी आकिब, आगाह कीजिएगा। महकमा कोऑपरेटिव की कारकर्दगी और दीगर अमूर का भी जायजा लिया गया और इसमें मंजूरी जो है वो दी गई है कि महकमा कोऑपरेटिव के असासों और जायदादों को लीज पर देने की एक तो नई पॉलिसी की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ लीज के रेट्स पर जो नजरसानी का भी फैसला किया गया है, लीज के नरखों को मार्केट की मौजूदा रेट के मुताबिक बनाने का भी फैसला किया गया है और इसके साथ साथ जो कोऑपरेटिव के असासों और जायदादों पर काबिज अफराद हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई की भी हदायत वज़ीरे आला पंजाब की जानिब से दे दी गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि कब्जे बाजगर करवा के मौसर अंदाज में ऑपरेशन भी शुरू किया जाए और महकमा कोऑपरेटिव को मुकम्मल सपोर्ट की भी हदायत की गई है। इस जो इजलास है इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए जो कायद जवाबत है उसके तहत जो नामजदगी और समरी जो है भिजवाने के ऊपर भी की तजवीज़ भी दी गई है। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव बैंक को बैंकिंग सेक्टर की जदीद तकाजों से हम आहंग करने के लिए जो इकदाम हैं वो भी करने की हदायत जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब का भी इस मौका पर कहना था कि एक तो जो ट्रैक्टर स्कीम के आगाज से काश्तकारों को फायदा होगा उसको भी जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, इसकी भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि काश्तकारों के जो खिलाफ बहबूद के लिए जो इकदाम हैं उनको भी मुमकिन बनाया जाए ताकि किसी किस्म की कमी बेशी रह ना सके। महकमे को मुतहरिक अंदाज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की भी हदायत वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई है। कोऑपरेटिव बैंक और लिक्विडेशन बोर्ड के बारे में जो ब्रीफिंग है वो भी मुकम्मल हुई इसमें और इस इजलास में खासतौर पर सूबाई वज़ीर कोऑपरेटिव महर मोहम्मद फैसलों की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से आके बहुत शुक्रिया तफ़सीलात से आगाह करने के लिए।